ए बस बस खाली बस सर सर वेट वेट बैग पैक वो साइड में जहाँ पे पहले रखी थी ऑनेस्ट यू नो हम अपना काम कर चुके हैं नाउ इट इज़ फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड सो ऑफकोर्स वी ट्राइड आर बेस्ट इवन द शो इज एक तो फॉर्मेट नया इट्स ओनली 26 एपिसोड्स इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इट्स प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ट्राइंग अ कंप्लीट मसाला एंटरटेनर ऑन टीवी तो द शो इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ एक्शन इमोशन कॉमेडी ड्रामा एवरीथिंग सो आई होप दैट यू नो जैसे पीपल फिल्मों को रिस्पॉन्ड करते हैं वी आर द अटेम्प्ट इज़ कि हम 26 एपिसोड नहीं 26 छोटी फिल्में बनाएं तो आई होप कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे और उन्हें पसंद आए ओके सर माय नेम इज लखन नाम जिस बहुत अलग तरीके का है इसके बारे में शो के बारे में कुछ बताइए ये बेसिकली लखन की कहानी है वो एक मुंबई का टिपिकल टपोरी भाई गुंडा जैसे हम कहते हैं वैसा टाइप का इंसान है उसके अपने फादर से बनती नहीं है फादर बहुत आइडियोलॉजिकल किस्म के इंसान है एंड सडनली उसके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसे झक मार के बदलना पड़ता है और वो बदलना नहीं चाहता है तो उस जद्दोजहद में वो क्या क्या करवाता है सिचुएशन उससे क्या क्या कराती है और वो कैसे करता है वेदर ही चेंजेस और नॉट इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ ऑल अबाउट यार द आइडिया इज़ आई हैव बीन ऑलवेज अ थिएटर गाय अ फिल्म गाय यू नो सो ऐसे नहीं कि टीवी किया नहीं है टीवी पहले किया है बट मुझे कभी डेली सोप्स मुझे हजम नहीं हुई मैं नहीं कर सकता तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हो जिसका एक बिगनिंग हो और उसका एंड हो तो वो मुझे ज़्यादा फिल्म के करीब लगता है थिएटर के करीब लगता है सो ये कॉन्सेप्ट जब मुझे सुनाई गई थी तो इट हैड अ डेफिनेट स्टार्ट एंड अ डेफिनेट एंड एंड दैट्स वॉट रियली अपील टू मी अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ओके नहीं ये जितनी कहानी है इस कहानी के लिए 26 एपिसोड्स इनफ है यू नो अगर गॉड विलिंग अच्छा रिस्पांस आता है तो ऑब्वियसली एनी प्रोड्यूसर वुड वांट टू एक्सटेंड द होल शो एंड इवन द चैनल वुड वांट टू देन वील ऑल्सो थिंक ऑफ उसको कैसे ट्विस्ट लाया जाए और क्या नयापन लाया जाए बट राइट नाउ इफ यू आस्क मी ये कहानी जो है उसके लिए 26 एपिसोड्स इनफ है कोशिश तो यही है जैसे मैंने कहा कि हम 26 फिल्में बनाएं जो एक्शन इमोशन ड्रामा से भरपूर हो बट फॉर मी यू नो मैंने एक्शन थोड़ी थोड़ी की है बाकी फिल्मों में तो ऐसे फुल फ्लेज्ड हार्डकोर एक्शन मैं भी पहली बार कर रहा हूँ सो फॉर मी इट वाज अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस यूजुअली हम फिल्मों में एक एक्शन सीक्वेंस होता है या हम हर 3 दिन बाद एक एक्शन सीक्वेंस करते हैं तो वो भी हानिस वानिसिंग और लोग उड़ रहे हैं मैं उड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह चीज़ें होती है सो इट वॉज़ प्रीटी नाइस इट्स क्या कहते हैं स्लाइटली हेक्टिक एंड फिजिकली टैक्सिंग बट यू नो एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिजल्ट देखते हो तो बड़ा मज़ा आता है बस यही कहेंगे यू नो कि आपने आज तक जो भरपूर सा प्यार दिया है उसके वजह से हम यहाँ तक पहुँच सके ये एक नई कोशिश है हम सब की तरफ से आई होप दे एन्जॉय इट माय वर्क इज़ जस्ट टू एंटरटेन आई होप आई एम एबल टू डू दैट थैंक यू
भाई बहुत ही धमाल वाला मामला है, ऐसा तो पहली बार टेलीविजन में हो रहा है. एंड परी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, आई एम विशिंग हिम द वेरी बेस्ट. ट्रस्ट सोनी टू डू समथिंग रियली फैंटास्टिक एंड आई होप दिस विल बी अ ट्रेंड सेटर. परितोष का शो है तो धमाल तो होना ही होना है, और ऊपर से श्रेयस अर्चना जी सब लोग साथ में है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे. वेरी नाइस कॉन्सेप्ट एंड यस, ट्रेंड सेटर सोनी सबके लिए है. और अगर ये ऐसे शो चलेंगे तो फिर ऐसे शो और बनना शुरू करेंगे हम लोग, कभी मौका मिलेगा कॉमेडी करने का. ओके, जब हम सबकी बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है कॉमेडी शो. यस, इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कॉमेडी शो दिमाग वो नहीं रोया, मतलब देखकर कोई रोना नहीं चाहिए. दे शुड एक्चुअली गेट टू लाफ, बट ट्रस्ट परी टू मेक पीपल लाफ. ही इज़ फैंटास्टिक एट दिस, ही इज़ ऑलवेज बीन सुपर्ब. इफ यू, मैंने परी के प्लेस देखे हैं और हंस हंस के मैं लोटपोट हो गया हूँ हॉल में. तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस मकसद से ये लोग निकले हैं, ये उसे कई आगे गुना आगे निकल जाएंगे. मैं चाहती हूँ लोग रोए, इतना हंसे कि उनको रोना आ जाए. तो ऐसा होने ही वाला है, इट गोज विदाउट सेइंग. एंड आई कैन जस्ट से ऑल द बेस्ट टू टीम एंड सोनी साहब फॉर दिस शो, एंड यू गाइस रॉक एंड कीप मेकिंग पीपल लाफ. ओके, 26 एपिसोड्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेटर. इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आपका एक शुरुआत है और एक एंड है. ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा जब प्रोग्राम आता है तो इसका एक फाइनेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वरना चीज़ें ड्रैग हो जाती हैं. और इस वजह से आपकी एक कहानी भी हो सकती है, उसका एक मुकाम भी हो सकता है, वरना वो कोई मुकाम ही नहीं होता और वो चलते रहता है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी नेसेसरी स्टेप टू हैव फाइनेट प्रोग्राम्स. नेटफ्लिक्स का ज़माना है और लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. आप 26 एपिसोड के एपिसोड बनाते हो तो आप लोग वेट करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो सीज़न 2 आने के भी चांसेस होते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ट्रेंड सेटर एंड इट शुड वर्क.
बताइए। अभी आप देखेंगे अंदर जाकर, एक एपिसोड तो हम आपको दिखा ही रहे हैं और 26 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान देखेगा। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली शॉर्ट। तो वाकई में एक सीरीज़ में जो देखने को नहीं मिलता है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है और हम भी हैं। और भाई मैं एक्चुअली लखन का बाप प्ले कर रहा हूँ और बहुत ही आदर्शवादी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देखता हूँ उस टाइप का इंसान हूँ। और मेरा हमेशा प्रॉब्लम रहा है अपने बेटे के साथ, क्योंकि वो एक मवाली है, मैं एक अध्यापक हूँ, एक टीचर हूँ जो सिखाता हूँ कि भाई हर चीज़ सही करनी चाहिए और वो हर चीज़ गलत करता है। सो दैट इज़ द क्लैश बिटवीन द फादर एंड द सन, और इसी से आगे ये स्टोरी प्रोपेल होती है। एंड आई एम द फन साइड ऑलवेज। घर का प्रॉब्लम यहाँ पे ले आते हैं सेट पर। यही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नहीं थोड़ी सी, मैं अभी 3-4 दिन पहले तक तो बोल रही थी अरे हाउ नाइस यू नो घर का माहौल। अब मुझे लग रहा है जो घर का माहौल जो सेट पर आ रहा है, सेट पर नहीं वैनिटी वैन में जो आ रहा है, तो एक वैनिटी वैन है, दोनों को हम शेयर कर रहे हैं। ऑफकोर्स द स्पेस इज अ लॉट, लेकिन उसमें जिस वाली साइड में टीवी है उस वाली साइड में परमी बैठ जाता है, तो अगर मैंने वो साइड ली हुई है तो ही इज वॉचिंग टीवी द होल डे टेनिस। तो मैं थोड़ी देर बाद बोलती हूँ, मैं कहा ये टीवी थोड़ी देर के लिए बंद कर दे यार प्लीज़। तो घरेलू जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेट पर भी आ गई हैं। एंड देन अगर मैं लंच में मुझे 15 मिनट मिले, हालांकि ये प्रोडक्शन हमको टाइम नहीं देता है, 15 मिनट में ऐसे ले रहे तो ये अरे चाय ले आ, अरे ये ले आ। सो आई एम थिंकिंग हे भगवान, घर में तो होता ही था ये, अब यहाँ पर भी। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट एज मच फन एज आई थॉट इट वुड बी। बहुत पसंद आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली एक टोटली कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म को हमने टीवी के स्क्रीन पर उतारा है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि एक रोहित शेट्टी की जो फिल्म है वो हम टीवी पे देखने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट है इन शॉर्ट। अगर हम मैं आम भाषा में बताऊँ तो लाइक मसाला, टोटल मसाला एंटरटेनमेंट, हर चीज़ है इसके अंदर। एक हीरो है जो टिपिकल टपोरी और जो क्लैशेज हैं उसके फाइट्स हैं, गुड और बैड का गाना है, यू नो रोमांस है, इमोशन है, कॉमेडी कूट कूट के भरी हुई है। सो इट्स अ फुल एंटरटेनर जिसे कहते हैं। ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक नई चीज़ हमने कोशिश की है करने की, इसका फॉर्मेट नया है, हर चीज़ जो नई होती है उसको थोड़ा सा जमने में टाइम लगता है, उसको लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दे शुड कम टू द नॉट द थिएटर्स, लेकिन अपने टीवी के सामने उस वक्त बैठना चाहिए एंड सी एंड टेस्ट समथिंग, सम न्यू फ्लेवर जो हमने अपने मतलब आपके छोटे पर्दे पर हम लाए हैं। सो इट्स समथिंग विच इज़ डेफिनेटली मेरे इतने लंबे करियर में बहुत नया है एंड श्रेयस तलपड़े इज रियली रॉकिंग इट। ओह यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। काम होगा तो मैंने
ओके देन बाय. ओके सो माय नेम इज लखन. सबसे पहले तो ये टाइटल सुनकर क्या आ रहा है दिमाग में? माय यही आता है टाइटल सुन के और क्या आएगा. बट ऑब्वियसली श्रेयस तलपड़े ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन द प्रोमोज एंड ही इज रियली रॉकिंग इट इन द प्रोमोज. एंड द होल थिंग इज दैट द टाइटल इज वेरी वेरी कैची. एंड ऑफकोर्स श्रेयस इज सच अ गुड एक्टर. आई वर्क टू दैम लॉन्ग बैक. देन पार्टनर्स में भी हमने साथ में काम किया. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट इज एक्चुअली डूइंग इन द शो. Well, I'm just expecting a lot of fun because Paritosh is obviously behind the whole thing. So, jahan pari hota hai, wahan par obviously fun and comedy ka element to hota hi hai. So, just looking forward to a lot of fun, laughter and very, very good comedy and comic timing. Okay. Also, kaafi naya concept hai 26 episodes ka. To iske baare mein kya kehna chahenge? आई थिंक इट्स परफेक्ट बिकॉज एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि आओ 26 एपिसोड्स करो एंड चले जाओ. एंड यू ऑब्वियसली गेट टू प्ले यू नो दैट रोल फॉर 26 एपिसोड्स एंड देन यू कैन मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स एंड एक्सपेरिमेंट एंड यू नो मतलब बहुत कुछ होता है फिर करने के लिए. वरना वो आप डेली सोप करो तो आप फंस जाते हो वो एक ही कैरेक्टर में फॉर सो मेनी ईयर्स. अगर चलिए आपका शो हिट हो गया तो फिर तो फॉरगेट अबाउट इट. यू नो दैट यू विल बी एबल टू डू एनी अदर कैरेक्टर. बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग दैट यू नो वी कमिंग अप विद वेब शोज एंड विद concepts like this where we have like you know a 26 episodic pura story. So that's really good. I just want to wish the whole team of My Name Is Lakhan all the very very best. This team is really really close to my heart because I've done partners with them and of course I've done a lot of plays with them. And Pari is like family, so just want to wish him all the very best. And of course you know Shreyas, rock it. Thank you. Just now you were there because he was saying श्रेयस के साथ अभी हाल ही में काम कर चुकी हूँ. एक शो किया उनके साथ बेबी कमना, उनके ऑपोजिट हूँ. सो श्रेयस इज अ रायट. बहुत ही उम्दा कलाकार है, बहुत ही फनी कलाकार है. इज गॉट ग्रेट कॉमिक सेंस, ग्रेट टाइमिंग. एंड परितोष इज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर. सो आई वर्क विद बोथ ऑफ देम. सो बहुत उम्मीद है, बहुत मजा आएगा, हंसेंगे बहुत. वेरी एक्साइटिंग क्योंकि हाफ ही सीजन हो गया ना. नॉर्मली 52 एपिसोड होते हैं. सो आई थिंक ये जो छोटी जो थोड़े छोटे चलने वाले सीरियल्स हैं, आई थिंक दे डू वेरी वेल बिकॉज पीपल को बिगिनिंग मिडिल एंड जल्द मिल जाता है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट. आई विल वॉच इट क्योंकि बहुत ही फनी कैरेक्टर है श्रेयस. सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. थैंक्स गाइस. Thank you.
What's up? Hi. So I'm waiting for this और मैंने अभी श्रेयस को भी बोला कि I'm very excited to see your role in this. बड़ी स्क्रीन पर तो देखते ही है उसको, सो इसमें भी देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. एंड 26 को स्टार्ट हो रहा है, सो मेरी फैमिली तो हमेशा ये ऐसे शोज बहुत देखती है, तो आई थिंक इट गोना बी अ ग्रेट हिट. ओके, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं, 26 एपिसोड्स के कॉन्सेप्ट. हाँ, हाँ, और शॉर्ट एंड स्वीट भी है, एक अच्छा भी है. तो बट आई होप के 26 एपिसोड है तो और आगे चले, लोगों को पसंद आए और ये लोग और बढ़ाएं उसको. सो बिकॉज 26 एपिसोड यू नो बहुत रेयर शोज होते हैं जो 26 के होते हैं, तो आई थिंक और 26 एपिसोड भी है, 26 जनवरी को भी रिलीज़ हो रहा है, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट शो. सी आई डोंट थिंक ये खाली कॉमेडी होते हैं, बिकॉज सबके शोज सारी चीज़ों से होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, कॉमेडी होते हैं, उसमें अलग टाइप की एक फन होता है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ फन लविंग शो, और व्हेन यू सी इन अ बॉलीवुड स्टार कमिंग इन अ शो, सो आपका एक अलग तरह का, और कॉमेडी में तो ही इज़ ऑलरेडी गुड, तो मुझे लगता है कि और अच्छा होने वाला है. यार मैं ये एक्टर की जो मेरी कैटेगरी है, जो स्पेलिंग है ना, इससे मैं दूर हूँ. कोरियोग्राफर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, मैं आगे जाके फिल्म मेकिंग करूँगा, और अभी फिलहाल कोरियोग्राफी पे ध्यान दे रहा हूँ, और जरा 500-600 गाने हो जाएंगे फिर देखेंगे. थैंक यू. ओके, सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे, माय नेम इज लखन, ये सुनते ही क्या आ रहा है दिमाग में? अनिल कपूर. ऑफ कोर्स, आई मीन आई थिंक द नेम इज वेरी कैची, सुनते ही अनिल कपूर की याद आती है, सो या दैट्स द फर्स्ट थिंग. ओके, शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी न्यू कॉन्सेप्ट है 26 एपिसोड्स का, तो उसके बारे में. देखिए, मैंने इसका प्रोमो देखा है, एंड आई नो द प्रोड्यूसर्स वेरी वेल, पारितोष पेंटर जो है, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, सो आई नो दैट कॉमेडी इज़ हिज, ही इज़ लाइक द किंग ऑफ कॉमेडी, यू नो, सो ही कैचेज द कॉमेडी का नर्व लाइक इंस्टेंटली, सो आई एम श्योर ही विल डू अ ग्रेट जॉब ऑफ इट. एंड ऑफकोर्स देर इज़ श्रेयस तलपड़े इन इट, जो कॉमेडी में बहुत अपना नाम कर चुके हैं, सो ओवरऑल आई थिंक पैकेजिंग बहुत अच्छी है शो की, सो या आपके
मुझे ये 26 एपिसोड्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ बहुत ड्रैग हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसका जो रियल फ्लेवर है वो चला जाता है. 26 एपिसोड्स में आप जो कहना चाहते हैं वही कह सकते हैं, अपने तरीके से कह सकते हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उसमें जो है ज़्यादा मज़ा आएगा. ओके, आल्सो सोनी सबके जो जितने भी शोज हो गए हैं वो फुल ऑफ कॉमेडी. इसलिए आपके एक्सपेक्टेशंस क्या? वेल, सब इज द ओनली चैनल आई थिंक जिस पर कॉमेडी चल रही है. सो एक्सपेक्टेशंस क्या? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हाई ही हैं बिकॉज it's a very good producer writer who I know is very good at comedy. We have very good actors and of course Archana Puran Singh ji bhi hai. So the expectations are really high and I'm really looking forward to it. Because aapne bataya ki channel ke sath associated a humor, so wo to it's a given thing that hasna to hai hi. And plus so it's Sony Sub and Paritosh and Shreyas, who happens to be our friend, and Archana Puran Singh and many other very reputed actors. So I think it's a total win-win package from the channel. Thank you. हाँ, कैमरा. ओके, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि माय नेम इज लखन. जी, सुनते ही क्या आया दिमाग में? मुझे आया कि परितोष ने बहुत ही अच्छा शो बनाया है. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. वो हम एक बार एसोसिएट हुए साथ में एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनके साथ मुझे फिर से एसोसिएट होना है. तो जैसा मैंने प्रोमो देखा, आई न्यू ही इज हिट बुल्सआई. ओके, आल्सो कॉन्सेप्ट काफी नया है 26 एपिसोड्स का. जी 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 हाँ, मैं भी 26, मुझे पता नहीं था. अच्छा, 26 एपिसोड्स का है. तो अच्छा है ना 26. आपको अगर अच्छा शो करना है और क्वालिटी, हाँ ओके सॉरी, आपको अगर अच्छा शो करना है, क्वालिटी करना है, तो आई थिंक फाइनाइट शोज बनाएंगे ना, तो आई थिंक द प्रोडक्ट विल बी गुड. क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ. जी see paritosh is a very good writer himself, he's a very good producer, he's a very dear friend. So main dil se bias ho jaunga and I'll wish him all the best and I know wo product acha hi banayega. Thank you, all the very best. Republic dekh li sirf ek cheez, Jai Hind everybody. Hi. चलो
साथ में ही ले लो फटाफट। ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी सबसे पहले तो, और परितोष जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, सो हम चाहेंगे कि उसका ये जो शो हो वो नंबर वन रैंकिंग पे हो, सो बेस्ट विशेस देने आए हैं हम सब। एब्सोल्युटली परितोष मेरे बहुत ही अच्छे मित्र है, उनके साथ बहुत सारे प्लेस किए इतने साल से एंड सीरियल्स भी की है, सो आई एम योर जस्ट फॉर परी श्रेयस एंड देयर शो एंड विशिंग द एंटायर टीम ऑफ माई नेम इज लखन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत अच्छा चलेगा बिकॉज वी हैव सीन द प्रोमो एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम, परितोष एंड अर्चना जी परमीत जी, यू नो ऑल कमिंग टुगेदर एंड इट्स लवली। ओके शांतनु, आप क्या कहना चाहेंगे, माय नेम इज लखन, ये सुनते ही क्या आया दिमाग में आपके? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द कास्ट एंड द टीम, जो इनका टाइटल है माई नेम इज लखन, आई थिंक दैट इट्सेल्फ इज़ वेरी कैची, क्योंकि जो ये गाना है मुझे लगता है ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसके जहन में ये गाना नहीं है, इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग, सो आई थिंक दैट वेरी स्मार्ट ऑफ देम, इट इंस्टेंटली हैज़ अ कनेक्ट विथ यू, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जैसे कि ऑल ऑफ देम सेड, एंड बिकॉज आई रियली लव श्रेयस एज अ परफॉर्मर एंड अगेन परितोष इज अ वेरी डियर फ्रेंड, so my best wishes to the team as well. Okay, also concept 26 episodes ka TV par television par jo 26 episodes ka concept hai wo kaafi naya hai, bahut badhiya hai, bahut badhiya hai, fantastic hai, hum to sare finite shows hi banne chahiye because audience bhi thak jati hai dekh dekh ke, you know finite shows ka trend shuru hona chahiye, also I think फिर वो एक interest level भी बना रहता है, the show is really doing well, फिर the audience demand the season 2 आ सकता है, लेकिन you know 26 episodes ये हर एक producer को ऐसे ही बनाना चाहिए, और आप अच्छे से shoot भी कर सकते हो, so it's quality content, so I think it's a very nice trend and ये continue होना चाहिए, thank you.